हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, बावजूद इसके देश में जात पात से जुड़े हुए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो हमारी मानव जाति के लिए शर्मनाक है। इसी परिस्थिति को देखते हुए अब लोग बाबा साहब के आदर्श पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय रहूंगा। इस बात पर चल चुकी है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की मिस प्रीतिशा। मिस प्रीतिशा ने चंद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में नो कास्ट नो रिलीजन की अर्जी दी है, जो जात पात से दूर रहकर सबके लिए आदर्श निर्माण कर रही है। आज भी आप देखिए, कहीं पे लाउडस्पीकर को लेकर लड़ाई हो जाती है, कहीं कोई मूछे बड़ा लेता है तो उसकी मारपीट हो जाती है, या फिर अगर वो घोड़ी चढ़ता है तो उससे मारपीट हो जाती है, बुलेट पे चढ़ता है तो उसकी मारपीट हो जाती है। पेशे से वकील मिस प्रीतिशा जनरल कैटेगरी से आती है। माता पिता भले ही हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी बेटी ने जिस कानून की पढ़ाई की है उसके अनुरूप वो अपने जीवन में निर्णय ले सकती है। इसका अधिकार वो प्रीतिशा को देते हैं। नो कास्ट नो रिलीजन की राह अपनाने वाली एडवोकेट प्रीतिशा बताती है कि 2019 में तमिलनाडु की एडवोकेट स्नेहा प्रतिभा राजा भी नो कास्ट नो रिलीजन को अपना चुकी है। ऐसे में उन्होंने भी यही राह अपनाई। दिल दुखता है ये सब देख के। रोज का ये कहानी है, रोज का ये हम न्यूज़पेपर देखे तो न्यूज़पेपर खोले तो यही कहानी है, हिंदू मुसलमान या फिर किसी न किसी धर्म को लेकर या फिर कोई जाति को लेकर। तो 2019 में मुझे एडवोकेट स्नेहा प्रतिभा राजा के बारे में पता चला जब उन्हें नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट दिया गया। तब से मैं ये सोच रही थी कि ऐसा कुछ कदम भारत में हमें उठाना चाहिए और इसे पब्लिक करना चाहिए, एक पब्लिक फाइट की तरह इसे हमने उठाना चाहिए। चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय को जात पात से खुद की मुक्ति करने का निवेदन दे चुकी प्रीतिशा कहती है कि बाबा साहब के संविधान में वो शक्ति है कि वो एक अच्छा इंसान निर्माण कर सकता है, जिसके बाद किसी जाति और धर्म का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। आज समय आ गया है कि जात पात को छोड़कर हम केवल भारतीय हैं, ये ठान लेने की, और ये सामाजिक लड़ाई है जिसके लिए मिस प्रीतिशा ने नो कास्ट नो रिलीजन की राह अपनाई है। मेरे जो नाना जी है वो फ्रीडम फाइटर थे, तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अ फ्रीडम फाइटर। तो मेरे पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रही हो ये सही है, क्योंकि तुमने कानून की पढ़ाई की है, तुमने संविधान की पढ़ाई की है, तो तुम्हें उस रास्ते बिल्कुल आगे जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ मैंने बचपन से फेस नहीं की वो है कास्टिज्म, जो कि मैं अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, इसीलिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक, मतलब LLB फर्स्ट ईयर तक मुझे कास्टिज्म के बारे में पता ही नहीं था। मेरे घर में भी इस बारे में चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि घर में हमेशा लिबरल माहौल रहा है, एक सेक्युलर एटमॉस्फेयर में मैं बड़ी हुई हूँ, तो कभी कास्टिज्म को मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक फेस ही नहीं की। बहरहाल देश में जात पात पर मचे बवाल के बीच किसी जनरल कैटेगरी की शिक्षित महिला का ये कदम सराहनीय माना जाना चाहिए, जो इस जाति प्रथा को समाप्त करने की मिसाल कायम कर रही है। ऐसे में उसके निवेदन को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो एडवोकेट प्रीतिशा इसको पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का भी मन बना चुकी है।